हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे आई एम अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज बिहार। सो आई एम गोना टीच यू क्लास सिक्स साइंस चैप्टर नंबर टू एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। सो द लास्ट टॉपिक आई हैव टर्न that is nutrient and I have discussed you the total components of food. So there are total seven components of food, that is carbohydrate, fats, protein, vitamin, mineral, water, roughage, or we can say dietary fiber. So in my part one video I have told you about nutrient and carbohydrate. So now in our part two video we'll discuss about fats, protein and vitamin. So here we go and let's start the topic. So the first topic is fat. Fat क्या होता है? Fat is an energy rich source of food. Fat जो होता है energy rich source of food इसको बोलते हैं, ठीक है? Fat it also provide energy to our body. ये हमारे शरीर को energy provide करता है. Fat act as a fuel in our body. Fat जो है fuel की तरह हमारा शरीर में काम करता है. जैसे कि vehicles के लिए, vehicles चलाने के लिए हम लोगों को fuel चाहिए. बिना fuel का vehicle तो कुछ चलेगा ही नहीं, एक ऐसे normal पड़ा रहेगा. वैसे ही हमारे शरीर में भी fat जो है fuel की तरह काम करता है, ठीक है? It gives us much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. ये जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा, मतलब इट गिव्स अस मच मोर एनर्जी एज कम, अगर कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो फैट हमें ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है? फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. जो भी फूड फैट और कार्बोहाइड्रेट देता है हम लोगों को उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. ओके, सो वी कैन से दैट द बॉडी यूजेस फैट एज अ फ्यूल सोर्स. हमारा शरीर जो है फैट को फ्यूल के सोर्स की तरह यूज करता है. एंड फैट इज अ मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. फैट जो है एक बहुत बड़ा मेजर स्टोरेज फॉर्म है हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर करता है. एंड वी कैन से दैट फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई इन द बॉडी. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वील सी दैट फैट्स आर ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. और फैट्स जो है या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है, ठीक है? ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ग्राउंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सारे फैट्स के एग्जाम्पल है जो कि कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं, ठीक है? एंड बटर, घी, ये सब सारे फैट्स हैं, कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं. ओके, सो फूड रिच इन फैट फूड आर बटर, चीज एंड ऑयल. कौन सा ऐसा फूड है जो फैट रिच है, जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है? तो वो क्या होता है? बटर, चीज एंड ऑयल, ठीक है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन. प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी. प्रोटीन जो है परफॉर्म्स द वेरी एसेंशियल फंक्शन, हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है. किस लिए? फॉर हेल्पिंग आवर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ, हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, इसके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? दे हेल्प इन डेवलपिंग न्यू टिश्यू, न्यू टिश्यू को डेवलप करने के लिए भी. जैसे कि कहीं भी हम लोग को कट या वर्म गिर जाते हैं, क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग या कुछ भी कट, तो उसके लिए न्यू टिश्यूज जल्दी से वो ठीक करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें. फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. जो भी फूड में प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है? प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स, मसल, स्किन, ब्लड एंड कार्टिलेज. प्रोटीन जो होता है हड्डियों के लिए, मसल, चमड़ा के लिए, स्किन के लिए, खून के लिए और कार्टिलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दे आर, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दे आर मेनी केमिकल सब्सटेंस इन आवर बॉडी सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा. दे आर नीडेड फॉर कैरिंग आउट वेरियस प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी बिकॉज ऑफ प्रोटीन, ठीक है? जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह, ठीक है? तो क्या होता है ना, वो सब जो भी होते हैं दे आर नीडेड फॉर कैरिंग आउट जो भी वेरियस एक्टिविटीज हमारे बॉडी प्रोसेस में होते हैं उसके लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है.
So in the next slide we'll see that protein can be obtained from plant as well as animal source. Protein जो है plant के plant एनिमल दोनों से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है. फूड द फूड सच एज पल्सेस पीज बीन सोयाबीन एंड ग्राउंड नट आर द गुड सोर्सेस ऑफ प्लांट प्रोटीन. जो भी पल्स पीज बीन सोयाबीन्स है वो सब गुड सोर्स है प्लांट प्रोटीन का. एंड जो भी द फूड फ्रॉम मिल्क चीज फिश मीट चिकन एग किसके हैं एनिमल प्रोटीन है. जो ये सब कहाँ से मिलता है मेन सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन है. ओके So in the next slide we'll see. So next topic is vitamin. Vitamin बहुत important है, ठीक है. इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा. Vitamin are the nutrients your body need to be developed and function. Vitamin जो है एक ऐसा nutrient है हमारे body के लिए जो कि development और proper function में बहुत help करता है, ठीक है. It help in protecting our body against disease. ये हमारे body में disease जो भी होते हैं उससे हम लोग को protect करता है, बचाता है, उससे लड़ने के लिए क्षमता देता है. Vitamins are the group of substance that are needed from normal functions, growth and development. Vitamin एक ऐसा group of substance है जो कि normal cell के लिए, function के लिए, growth के लिए और development के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है. Vitamin are necessary for good eyesight. आँखों के लिए, आँखों में ज्योति रोशनी लाते हैं हमारे आजकल teenagers को भी चश्मा लग जाते हैं बहुत कम उम्र में, तो vitamin की lack की वजह से होते हैं आँखों में problem या दांत में pain या दांत में gum लग जाना, कुछ तरह कोई भी problem, bones कमजोर होते हैं किसके वजह से, ड्यू टू द lack ऑफ vitamin. तो हम लोगों को proper amount ऑफ vitamin लेना चाहिए ताकि हमें इस सब चीजों की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है. vitamin क्या होता है ना, vitamin they are perform different function in our body. vitamin जो होता है बहुत different different तरह के function हमारे body में करता है. जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे next slide में हम लोग देखेंगे detail में, तो चलो next slide हम लोग देखते हैं. हाँ next slide में दिया हुआ है vitamin जो है कितने तरह के होते हैं, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद vitamins के सबके बारे में बताऊंगी. वाइटामिन टोटल कितने तरह के होते हैं, 13 तरह के होते हैं, 13 तरह के वाइटामिन होते हैं. वाइटामिन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर अल्फाबेट सच एज ए बी सी डी ई एंड के. जैसे कि हम लोग बोलते हैं वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के, ठीक है. तो ये सब वाइटामिन अल्फाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स आर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स है जो कि है वाइटामिन ए, वाइटामिन बी वन, B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, and there is also a group of vitamin called vitamin B complex. ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमिलियर होंगे इस नाम से, ठीक है. तो अब जो कॉमन से मैं उसके बारे में बता देती हूँ. जैसे कि विटामिन ए जो होते हैं वो हमारे, विटामिन ए इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग स्किन एंड आईज, स्किन आईज, ठीक है. विटामिन ए जो होता है हमारे स्किन के लिए, आई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. विटामिन सी जो होता है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. विटामिन डी जो होता है द बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन डी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सनलाइट के लिए मतलब अगर हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें सनलाइट, सूरज की रोशनी में, ज्यादा से ज्यादा धूप की रोशनी में बैठना चाहिए, ठीक है. एंड द विटामिन हेल्प द बॉडी टू डेवलप एंड ऑब्टेन द कैल्शियम एंड सिमिलर मिनरल्स फ्रॉम द फूड. ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है, आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस काइंड ऑफ विटामिन इन अ स्मॉल क्वांटिटीज. हमारा जो शरीर है सारे विटामिन्स की इसको नीड है लेकिन बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में, ठीक है. सम सोर्सेस ऑफ विटामिन्स आर मिल्क, एग, फिश, सनलाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ये कुछ सोर्सेज है विटामिन्स के, ठीक है.